हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रामेश्वरी और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तिल और गुड़ की चिक्की बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा तिल और गुड़। तिल हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिए हैं और गुड़ हमने उसका 3/4 भाग लिए हैं। जितना हमने तिल लिया है उसका 3/4 भाग हम गुड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे ग्रीस करके रख लेते हैं इस बॉक्स को, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक थाली में भी घी लगा के इसे ग्रीस कर सकते हैं और ये तैयार करके रख ले पहले से। तो हम यहाँ पर एक थाली में भी आपको लगा कर बता दे रहे हैं, इसमें भी थोड़ा घी या तेल आप लगा ले और इसे भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर ले। ये तैयारी पहले से करके रख ले क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिलता है, तो इसे पहले कर लेना। और अब हम सबसे पहले तिल को रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसे हमें लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है। तिल में डाइट्री प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बच्चों की हड्डियों के विकास में कारगर होते हैं, तो इसलिए तिल का सेवन ठंड में जरूर करना चाहिए। तो देखिए तिल रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे अलग पैन में निकाल लेंगे और अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है, तो इसमें हम 2 से 3 छोटी चम्मच पानी ऐड कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। और देखिए गुड़ पक चुका है, इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ऐड करने से चिक्की अच्छी क्रिस्पी खस्ता बनती है। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसे इस तरह से पानी में डालेंगे और ये नहीं फैलता है तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज में हम इसमें तिल ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम ऑफ करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे उस ग्रीस पैन में ट्रांसफर कर लेंगे या बॉक्स में जो हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। तो इसकी जो मोटाई है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है इसे, पतला या मोटा। तो जो बाकी बचा है तो इस थाली पे भी हम आपको सेट करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से स्पैचुला से अच्छी तरीके से सेट कर ले, और ये ना हो तो आप एक चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छे से कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा काजू के साथ इसे गार्निश कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, काजू, बादाम, पिस्ता। और अब इसमें हम हल्के गर्म में ही थोड़ा से कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद ये अच्छे तरीके से सूख जाएगी, फिर उसे हम कट करेंगे। देखिए अच्छे से सूख चुकी है और हमने पहले से क्योंकि इसमें कट के निशान लगा लिए थे तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो अब देखिए हम इसे कट कर रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया सेट हुई है। तो देखिए ये हमने कट कर लिए और अब एक पीस हम इसमें से देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये देखिए कितनी बढ़िया चिक्की तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, बढ़िया मार्केट जैसी चिक्की, बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। गुड़ में विटामिन और खनिज होते हैं जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका सेवन करना हमारे लिए लाभदायक होता है। ठंड के मौसम में इसे हमें जरूर सेवन करना चाहिए गुड़ का, और तिल के साथ मिला के इसका सेवन करने से और फायदा होता है। तो देखिए जो हमने थाली में सेट किए थे वो भी सेट हो चुकी है और कितनी परफेक्ट तैयार हुई है ये। तो देखा आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है, और आप इसे पहले से बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे इस तरीके के एक एयरटाइट बॉक्स में रखकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह की और यूजफुल रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।